क्रिसमस की मिठाइयाँ। दोस्तों, आप सब कहाँ जा रहे हो? हम सब कार्य मुक्ति गृह जा रहे हैं शुगर। कार्य मुक्ति गृह? वो क्या है, कार की मुक्ति का घर? नहीं, ये वो जगह है जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं जब उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। हाँ, बेकार की बात है। ये बिल्कुल भी बेकार की बात नहीं है शुगर। हम सब मिलकर उन लोगों के लिए क्रिसमस के गीत गाने वाले हैं। हाँ, ताकि उन्हें पता चले कि हमें उनकी फिक्र है और साथ ही क्रिसमस की बधाई भी देंगे। और हम उन्हें ये मिठाइयाँ भी देंगे। ओह, मैं भी खाऊंगा। तो फिर तुम्हें हमारे साथ आना होगा शुगर। ओह, अच्छा, ठीक है। अब चलो दोस्तों, जल्दी करो। वाह, देखो आज यहाँ कितने सारे लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अपने परिवार वालों से मिलने आए हैं। देखो वहाँ उन बूढ़े दादाजी से मिलने तो कोई भी नहीं आया। तुमने सही कहा शुगर। हाँ, वो उदास लग रहे हैं। चलो उनसे चलकर बात करते हैं। नमस्ते दादाजी, मैं जो हूँ। और मैं जैक। मैं जून हूँ और ये शुगर है। यो। नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम कार्टराइट है। हम सब की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई दादाजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। दादाजी, आपका परिवार कहाँ है? कोई बात नहीं बच्चों, मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आ पाया, उसके पैर का इलाज चल रहा है, वो इस समय अस्पताल में है। ओह, ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ दादाजी। जरा ध्यान दीजिए, ये बच्चे हमारे लिए गाना गाने आए हैं। क्रिसमस की बधाई हो, सबको क्रिसमस की बधाई हो। वाह, कितना अच्छा गाया, धन्यवाद बच्चों। अब समय है तोहफे देने का और फोटो खींचने का। आप सब अपने अपने परिवार वालों के साथ बैठ जाइए। दादाजी के पास तो तोहफे देने के लिए कोई भी नहीं है और फोटो खींचने के लिए भी कोई नहीं है। है ना उनके पास? क्या उनका बेटा आ गया? नहीं, हम ये सारी मिठाइयाँ उन्हें तोहफे में दे सकते हैं और उनके साथ फोटो भी खींच सकते हैं। हाँ, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी जो। प्यारे दादाजी, क्या आप हमारे साथ फोटो खिंचाना चाहेंगे? हम आपके लिए ये तोहफे में मिठाइयाँ भी लाए हैं। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। हम भी कभी नहीं भूलेंगे दादाजी। क्या हम कभी कभी आपसे मिलने आ सकते हैं? ओह हाँ, जरूर आना। जब आप आओगे तो मैं आपको मजेदार कहानियां सुनाऊंगा। तुमने ठीक कहा था, वहाँ बहुत अच्छा लगा, पर मुझे एक बात का दुख है। वो क्या है शुगर? मुझे खाने को एक भी मिठाई नहीं मिली। चिंता मत करो शुगर, मैंने एक बचा ली थी। ये लो,
पूरा दिन मेरा पेट बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। स्वादिष्ट। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।